Oh my god. बहुत करो यार। हम ज्यादा देर सकते हैं, साग की वजह से ले लिया मैंने, और दूसरे पनीर की शक्ल बहुत खुश है। दिल दिल फाड़ के लिख रहा हूँ आज। हेलो, हैप्पी बर्थडे लव ऑफ माय लाइफ। और लाइक जो हस्बैंड ने डेकोरेशन की थी वो गिव टू यू, मेड माय बर्थडे वेरी स्पेशल। आई जस्ट से यू दैट्स इट। हम चल रहे हैं। So, आज है मेरा बर्थडे। आज बहुत समय के बाद मेरे बर्थडे वाला दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है। आज 31 डिग्रीज है। हर बार मेरा टेम्परेचर बताना जरूरी तो नहीं है, पर मुझे बहुत मजा आता है बता के कि गर्मी है। सो बर्थडे वाले दिन की शुरुआत करने वाली हूँ मैं। शुरुआत तो ऑलरेडी बहुत प्यारी हो चुकी है। आप देखिए कि हिम्मत ने कितना प्यारा एफर्ट किया। I should get some big ones. You said no, get some little ones. It looks so ugly. Yes, and this was Himmat's plan. Guys, look what daddy is doing. His special decorations. पता नहीं कि जिद्दा से कोई मंत्री नहीं आना है। अगर किसी ने कहिए कि decoration ना दिखती नहीं पी decoration. वो ये simple होंडी या sober होंडी या आ की line. Kind of. What is this? Luxury नहीं होंडी. Oh I see. हाँ की बिगली line बना. की vibes होनी चाहिए या good vibes. Guys, this is. तो डेकोरेशन इतनी काटा कि दिखनी नहीं दिखी डेकोरेशन की। मुझे पार्टी सिटी वाले हायर करना चाहते हैं। सिर्फ पक्खे की डेकोरेशन लगनी, वो भी इतना लगा कि पक्खा विकन दिया। पक्षियां नहीं दुकान गया है, पक्का विकल नहीं लाएगा। गाइस, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मेरे हस्बैंड ने इतनी तगड़ी डेकोरेशन की है, जो कि आपको एंड का लाके लगनी पड़ेगी। और एंड इतना ज्यादा समय लग गया और इतनी मेहनत, देन नाउ ही इज टायर्ड। यार मैंने, तुम बीच में आ गई, अभी तो मैं कर रहा था, नाउ आई असल में आनी नहीं हैगा। गाइस बस पता हस्बैंड ने की लिया होंदा, डैडी ने दो डेकोरेशन ली आ गया, दैट्स इट। पर यार जो भी अबाउट एफर्ट किया, आई एम हैप्पी। यू नो दैट कि यार सारी चीजें मैं, ओह माय क्यूटी कैट, यू वांट टू जॉइन द कैट क्लब? यस आई वुड लाइक टू जॉइन। Close the fan. और ऐसे लग रहा है कि कोई नेता जी यहाँ पे भाषण देने आ रहे हैं, जिधर नेता दिया झंडियाँ नहीं लगिया होनिया। एंड एक्चुअली आज के दिन की शुरुआत हुई है ब्यूटीफुल रोजेस के साथ। एंड हिम्मत, एक्चुअली हिम्मत ने पसंद किया वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा वो कोट। एंड हिम्मत गॉट मी रोजेस, डैडी ने उदी हेल्प की थी, बट आई एम वेरी हैप्पी सो फार। सो अब बारी आती है मेरी पैम्परिंग की। इस बार मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे, हस्बैंड का तो मुझे पता ही है कि मुझे प्रेजेंट नहीं देते हैं वो। तो इस बार उन्हें मैंने कहा कि क्यों ना आप मुझे कोई अच्छे स्पा, फेशियल या कोई भी ट्रीटमेंट के गिफ्ट कार्ड दे दो, ताकि मैं वो यूज कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया है 90 मिनट्स का, जिसमें डर्माब्रेशन होने वाली है, जो वो यू नो लास्ट टाइम में मैंने करवाया था कुछ साल पहले, 4 साल पहले शायद। तो उसके बाद फेशियल है एंड मसाज है, तो बहुत मजा आने वाला है मुझे। तो सबसे पहले मैं वहीं पर जा रही हूँ, और मुझे पता नहीं मैं वहाँ पर जाके वीडियो बना पाऊंगी या नहीं, पर मैं कोशिश करूंगी। सो यस, आपको मैं दिखाती हूँ एंड जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे। क्यों तू मैनू छड गई है, हाँ दिल जो कट गई है, वफा भी ना कर पाई, ये जो तू कर गई है। दोस्तों, तो मैं रेडी हूँ मेरी बर्थडे इवनिंग के लिए, बर्थडे डिनर के लिए। ये बर्थडे डिनर ही हमारा बर्थडे का स्पेशल रिचुअल है, यही हम करते हैं। बस फैमिली जाती है डिनर करने, जहाँ पे भी हमें खाना पसंद हो, एंड
That's it. और आज मेरा प्लान है कि क्यों नहीं हम जाएं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में. सो आज हमारा चटपटा मजेदार इंडियन फूड खाने के लिए मन है. अगर आपको लग रहा है मेरा हाथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली मैंने अभी नेल पेंट लगाई है. नेल पेंट ना मेरी चिप हो गई थी तो वो मुझे बहुत गंदी लगती है, तो मैंने उतार दी और उतार के मुझे भी अजीब लग रहा था. तो मैंने सोचा कि मेरे पास समय है तो जल्दी से कर लूँ, इसलिए मैं अपने बाल भी पीछे नहीं कर पा रही हूँ. क्योंकि नेल पॉलिश लगाने के बाद मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं उस पर कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ, लाइक बालों को इधर उधर करने के लिए कहीं पे मेरी खुजली होनी शुरू हो जाती है. तो नेल पॉलिश रून करने की मास्टर हूँ मैं. सो आज मैं कोशिश कर रही हूँ. हम जा रहे हैं किसी स्पेशल इंडियन रेस्टोरेंट में जो कि खुलेगा 5 बजे एंड वो हमारा दिन का पहला मील होने वाला है. सो हस्बैंड एंड हिम्मत रेडी हैं, अब मैं उनकी वेट नहीं कर रही हूँ. आज रब के शुक्र से वो टाइम पे ही रेडी हो गया, वो बाहर है चिल कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि अभी समय है रेस्टोरेंट के खुलने में और मैं नहीं चाहती कि पहले ही जाके बाहर खड़े हो जाए, हम पहले कस्टमर बन जाए. सो थोड़ी वेट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम रवाना होंगे. तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मेरी सुबह कैसी थी. जब मैं सुबह उठी और हिम्मत एंड हस्बैंड घर में नहीं थे, बट जब वो घर को छोड़ के जा रहे थे तो मुझे पता चल गया था कि वो जा रहे हैं कहीं पे. हिम्मत इतना प्यारा है, अगर आप उसे सुनेंगे ना, लाइक अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊँ जब वो बोलता है तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसकी उम्र बच्चा इतना कैसे बोल सकता. हस्बैंड भी इस बार सुन के उसको हैरान हो गए कि वो कह रहे थे कि हिम्मत तुम्हारे बर्थडे के लिए प्लान कर रहा है इतने ज्यादा समझदार तरीके, क्योंकि वो बहुत अर्ली चले गए थे और कई दुकानें बंद थी. तो तब तक हिम्मत कह रहा है यहाँ बाहर वेट करने की जरूरत नहीं है, हम वहां से फ्लावर ले लेते हैं, वहां से ग्रीटिंग कार्ड ले लेंगे मम्मी के लिए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे. और ये सो रात को हिम्मत ने मुझे हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड दिया जो इतना प्यारा है, वो जल्दी से आप देख के आए. गाइस आई एम गोइंग टू गिव माय मॉम ए प्रेजेंट. I'm so excited. Oh my god. It's like, oh god, who did it? Me. Oh my god, this is so beautiful guys. Aise karo to mom hai and do hearts hai. Jab open karo to it's happy birthday. Oh my god, Mimi, this is the cutest. आए थे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट चल रहा था और कैमरा बंद हो गया, पर हिम्मत ने ये ब्यूटीफुल कार्ड बनाया है. ये दो डिफरेंट रंग के हार्ट्स हैं, पिंक एंड ब्लू, एंड जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे, एंड बंद करते हैं तो लिखा हुआ है मॉम एंड यू डिड अमेजिंग जॉब. ओके, तो ये इसने किसी वीडियो को देख के बनाया है. आई एम सो 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 प्राउड ऑफ हिम. राइटिंग देखें इसकी कितनी क्लीन है, इसके डैडी से ज़्यादा क्लीन है इसकी राइटिंग. यू मेड माय डे. You made my birthday so special. You did decorations already? No, I didn't. So, देखा आपने कितना प्यारा हिम्मत ने बनाया. हस्बैंड कह रहे कि मैंने उसे मदद की है, हस्बैंड ने की होगी थोड़ी. सो अब हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से डिनर के लिए जाते हैं. मेरा बर्थडे सो फार बहुत ही मजेदार जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी. बारिश बहुत तेज होनी शुरू हो गई है. आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी. ओके, सो हम जिस इंडियन रेस्टोरेंट में जाना चाहते थे वो लोग बंद हैं. वो कह रहे हैं कि टेक अवे कर लो, पर हम बैठ के मजा लेके खाना चाहते हैं. अरे बारिश शुक्र. सो अब हम किसी और रेस्टोरेंट में आए हैं, पर ये रेस्टोरेंट है एक अच्छे बफे रेस्टोरेंट के सामने. तो हमने सोचा कि बफे में जाएं या इतने जाइए, तो बफे में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो जाती है और हमें भूख बहुत लगी है क्योंकि साडा पहला मील है. तो जे फिर हम चाहते हैं कि ज्यादा ऑप्शंस हो और हस्बैंड डिसाइड करें लेट्स गो बफे. लेट्स गो बफे. सो वी कैन मच एज वी वांट. फिर ओथे हम ज्यादा देर सकते हैं फूड. ऑलराइट, तो हम लोग जाने वाले हैं ये तंदूरी फ्लेम्स में फॉर साडा बर्थडे डिनर. सो लेट्स सी कैसा होने वाला है ये मील. सो वैसे इनका ऐसे है कि बफे जब आपको पिक करने के लिए जाना है तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा एंड ग्लव्स पहनने पड़ेंगे. हस्बैंड डिसाइड करें अगर कोई ड्रिंक ऑर्डर करना चाहते हैं, देन अदरवाइज वी कैन गो एंड स्टार्ट ऑन फूड. Sometimes it can get rough when you've had enough. I'll be your Don Corleone. When you're feeling down, feeling low, you'll never be alone. Not when you're right here with me. Oh, I won't
ओके दोस्तों, तो ये मेरी फर्स्ट प्लेट होने वाली है। इसमें है चिकन एंड गोभी का पकौड़ा, फिश पकौड़ा एंड थोड़ा सा पनीर। ओके सो पनीर टेस्ट करते हैं ग्रीन चटनी के साथ। आलू टिक्की, गोभी पकौड़ा, कड़ी कितना बढ़िया। ओके सो फिश पकौड़ा खाने के लिए मैं यूज करूंगी मेरे ब्यूटीफुल हाथ। कल रात भाभी बंदा ठोक दी गल लाता फोन आओगे कोई लाइन चलन दी। ऑन्ट्रे हमारा हो चुका है, एपिटाइजर बोलेंगे उसको, ऑस्ट्रेलियन ऑन्ट्रे बोलते हैं। मैं भी ऑस्ट्रेलियन बन जाती हूँ सम डेज। सो एपिटाइजर्स हो चुके हैं और मेन मील खाने की बारी है। मैंने बहुत ही क्विकली खा लिया। ये हम देसियों की प्रॉब्लम है कि हम जब आते हैं ना वह सिर तक खाते ही जोर ला दी, गलबात कोई करी भी नहीं ना। और कि मैंने अपने लिए कोक भी ले ली जिस पे हिम्मत काफ़ी देर से अंक है, उससे सख्त मना किया गया। उसने ना ड्रिंक ली थी एक बहुत ही मज़ेदार, तो वो उसे ख़त्म कर लिया, अब उसमें से पानी फिल कर लिया है। तो जब हिम्मत को ड्रिंक लेके देते ना वो ड्रिंक ही पीता है और टेट पार लेता है, खाता नहीं। तो क्या कहना चाहती थी मैं, ओके हमने गोलगप्पे नहीं खाए, पावभाजी नहीं खाई, हम वो कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे जिसकी मैं एक्सपर्ट हूँ। हम इतने ज़्यादा लॉयल हैं मेरी मेरी रेसिपी से, यार एक्चुअली स्वाद ही नहीं होती है। मैं दोनों को मन चाहिए दोस्तों। हिम्मत खा रहा है रोटी, हिम्मत लेके आया है काली दाल, बटर चिकन एंड एक नान एंड राइस, और इसके राइस में मैंने बिरयानी वाले राइस मिक्स कर दिए। सो ही इज़ लाइकिंग सो फार। बस तो हस्बैंड ने मुझे कहा कि वेट करो थोड़ी देर बाद रोटी खाऊंगे, और मैं मिमी को लेने के लिए चली गई। मिमी को मैं वॉशरूम ले गई और फूड लेके आई, मेरे आंदे उन्होंने अच्छे रोटी खाऊंगे बना। सो मेरे पति जैसे बंदे के भरोसे मत रहना, ये खा लेगा और आप वेट करके ले जाओगे। एक साइड पे है गोट करी और दूसरी साइड पे है लैम। तो इस प्लेट को देख के मुझे याद आ रही है कुकी खिच वाली, कि ऐसे बंदे के पीछे रह के भूखे मत रह जाओ। लाइक ये बंदा पौना बकरा चुरमुट गया कसाईया, तेनू है ना आई और एक दोस्तों मैं मेरे लिए खाना लेके आई हूँ। मेरे साथ हस्बैंड अपने लिए वेजिटेरियन प्लेट लेके आए हैं। इसमें मैं खाने वाली हूँ पालक पनीर, थोड़ा सा दाल है एंड पनीर की एक और सब्जी है एंड आलू गोभी। पनीर की मैं नहीं फैन नहीं हूँ, पर ये साग की वजह से ले लिया मैंने, और दूसरे पनीर की शक्ल बहुत खूबसूरत है। सो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, एंड मैं इसके साथ पुलाव खा रही हूँ एंड हस्बैंड खा रहे हैं प्लेन वाइट राइस। और हिम्मत का मील ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, दैन ही कैन हैव हिज डिजर्ट। सो दाल पति ने क्या कि बढ़िया दाल ट्राई करते हैं, दाल अच्छी है। सो फार आई एम हैप्पी विद द फूड, स्वाद है सब्जी एज वेल। देन आई वाज अ किड आई एट इट लव इट देन आई वाज अ किड आई ईट एंड आई थॉट दैट आई वाज शो self-expression. दोस्तों ये खिड़की के पास बैठे हुए हमने कितने सारे सीजन देख लिए हैं, बारिश तूफान और अब धूप निकल आई है। और डिजर्ट के लिए मैं खा रही हूँ ये इंडियन स्टाइल आई थिंक मैंगो नॉट टूटी फ्रूटी आइसक्रीम जैसी है ये एंड गुलाब जामुन, दैट्स इट। पिट्टी सी कर ली है मैंने, क्रिस्प गुल्ला भी ट्राई किया पर अनफॉर्चुनेटली वो ताज़ा नहीं है, बेया है। कॉस्को जाना। नो डैडी।
Are you serious, Daddy? Why? Sure. No, it's just Mama's birthday. We're not going anywhere. Maybe we're gonna get a cake from there. ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤੂੰ ਕੋਸਕੋ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਲੜ ਨੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ Don't wanna need you, but I'm breaking at the seams. The joke's on you. I'm done falling for your lies. So हमारी पेट पूजा हो चुकी है and अब हस्बैंड हमें लेके जाना चाहते हैं कॉस्को जहाँ पे हम बिल्कुल जाना नहीं चाहते. Guys, look at this. मेरे घर जाने के रास्ते में ये लहलहाते झलियों के खेत. कितने मिलेंगे आपको इनमें सोने के? Talk up the game, but you're reckless. Why can't I leave you? I take everything you say with a grain of salt. Alright, दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं. 8:37 हो चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खा के आए हैं. डिज़र्ट ऑलरेडी खा लिया है तो खाने के लिए मन नहीं था और मैंने हस्बैंड को कहा कि केक खाने देते हैं पर वो फिर भी ज़बरदस्ती ले आए. पर हम इतनी सा क्यूट केक लेके आए हैं. मुझे स्ट्रॉबेरी शॉर्टब्रेड केक अच्छा लगता है. ये वही है. मेरे पीछे बंदे ने कम है क्योंकि दोनों बंदे मेरी ग्रीटिंग कार्ड पे लिख रहे हैं. एक तो लिख रहा है बड़ी मेहनत से, एक हजे भी फ़ोन पे समय स्पेंड कर रहा है. वो इन कह रहा है कि बाद में लिखूंगा, शाम को लिखूंगा. बर्थडे ख़त्म हो रहा है दोस्तों, कह रहे थोड़े रोटी खा कर लिखूंगा, वॉशरूम जाऊँगा नहा के लिखूंगा. वो हंस रहे आप. Look at this beauty. पता नहीं की लिखी जाती है मेरी बुद्धी जी. I love him so much, man. मैं ढूंढ ढूंढ के पहन लेके आई हूँ. बंदा मिसिंग है. हिम्मत एंड हस्बैंड ये ब्यूटीफुल सी ग्लिटर वाली हैप्पी बर्थडे कैंडल लेके आए हैं. एक्चुअली हिम्मत चाहता था कि मेरी उम्र कितनी है उतनी कैंडल्स लगाए. मैंने उसे कहा कि ज़्यादा कैंडल्स ना लगा कि वो मेरा दिल तोड़ना है. सो अच्छा है कि वो एक ही कैंडल लेके आए हैं. सो दिस इज मच बेटर. ये की लिखी जानी है बेचारी नु शब्द ही नहीं मिलन दे. प्यार ही इदा है, पता ही नहीं चलन दे की लिखा. नकल तो नहीं मारनी. गूगल कर ला प्यारी है, नकल मार ला. जगह घट पाएगी. एनवेलप से लिख लो सारा खाली. नहीं पता चलन दिया गाय लाना कुछ नहीं लिखा. मैं पढ़ के सुनाना सब झूठ नहीं मार सकते. सो मैं और हिम्मत कैंडल जलाने वाले हैं. डैडी अभी भी लिख रहे हैं. जरूर पढ़ना चाहूंगी कि क्या लिखा है उन्होंने. ओके, पहले मैं हिम्मत का पढ़ूंगी. ओ हिम्मत ग्लू भी ला के ले आया. ओ माय गॉड, ओ गॉड, दिस इज सो क्यूट. लव यू मामी. और इस पे ये प्यारा सा बना हुआ है. आई लव यू सो मच मम्मा. आई वॉन्ट यू टू बी माई बी एफ एफ. आई लव हाउ यू हग मी एंड स्नगल मी टाइट. आई लव वैन यू मेक माई वर्ल्ड फील जस्ट राइट. आई लव दैट यू लव मी वट एवर आई डू. आई लव दैट आई हैव अ ग्रेट मॉमी लाइक यू. आई लव यू सो मच. ओके, डैडी ने की चंद चाड़िया है. हैप्पी बर्थडे लव ऑफ माय लाइफ. There is this special place within my heart that's meant for you alone. A special place within my heart reserved for times known. Wish you always lots of success. Oh, okay, doctor, dawaiyan likhi di hai, mainte samajh nahi aaya. And good health. And good health. Bahut idda lagan de main pharmacy se jaawa na, unhone 5-6 dawaiyan de patte de dene. Okay, now sing song for me. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Draw me close. I wanna hear your heartbeat. It's good. I made it to Jagani. I feel good. Thank you guys. You made my birthday very special. I just hate you. That's it. और लाइक जो हस्बैंड ने डेकोरेशन की थी वो गिर चुकी है, लेट मी गेट इट फॉर यू। वो बेचारी गिरी है, आई डोंट नो वॉशी टेप ना हमारे इस पे अटैच है। ऑलराइट, सो इसी तरह हमने हमारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है। बहुत मजेदार दिन गया, मुझे बहुत बहुत अच्छा मजा आया था। आई होप आपने ये व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। हमारा बर्थडे है जो बहुत ही सिंपल होता है, ज्यादातर हम तीनों फैमिली ही समय स्पेंड करते हैं। मुझे इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है। आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। सो प्लीज कमेंट बार में बताना कि आपको ये कैसा लगा। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, बिकॉज यू कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इस चैनल पे ट्रेडिशन है कि जब किसी का बर्थडे होगा तो थोड़ी सी डांस पार्टी होगी। गाइस हमें गाने ही नहीं पता है। चिट्टा बच के रही तू मिथ चुभदा पिया नु तेरा नेम है। ओ डरका दा तितरा दा रब रखा मित्रा दा फेम दम कदरां दी गेम है। मैं फिर ऋतिक रोशन दे गाने च करदा। बैंग 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 बैंग। सो देख लेते की करदे हो, करो। चल चल रुक गया ना। प्लीज ब्यूटीज को मैं संभाल लूंगी। अब मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा पायल है ग्रीटिंग कार्ड्स का। जब मन करता है मेमोरी लेन में जाने का तो हम उनको रीड कर लेते हैं, तो सारा कुछ रिफ्रेश हो जाता है। बहुत ही मजेदार है।